तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस बड़े से ग्राउंड में होने वाला है बहुत बड़ा युद्ध, और वो युद्ध होगा किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला के बीच में। तो चलो बिना कोई बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग उससे पहले एक बात बताओ कमेंट्स में कि आपका फेवरेट कौन है, किंग कॉन्ग और गॉडज़िला। तो जल्दी जल्दी फटाफट कॉमेंट्स में बता दो, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है समरिया। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मेका गॉडज़िला का एग, और उसके बाद टाइटेनस गोरिल्ला का। तो देख उससे मेरा क्या फायदा। अबे साले, इन दोनों में फाइट करके कौन जीतता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है मेका गॉडज़िला जीतेगा, देखते कौन जीतता है। तो चलो सबसे पहले एक काम करता हूं, मेका गॉडज़िला को स्पॉन करता हूं, उसके बाद गोरिल्ला को स्पॉन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने मेका गॉडज़िला का एग ले लिया। ओ भाई कितना बड़ा है ये गाइस, एक बार देखो कितना बड़ा है ये। बाप रे बाप, भाई साहब कितना बड़ा है ये, देख रहे हो एक बार। ओ भाई कितना चिल्ला रहे, बहुत कड़क आवाज आ रही यार। देख के तो लग रहा है मुझे यही जीतेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक दिख रहा है ये। और एक बार इसके हाथ देखो कितने खतरनाक हैं, एकदम रोबोटिक टाइप। गाइस मैं तो इसको सपोर्ट करने लगा, क्योंकि मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको, यही खतरनाक नहीं है, दूसरा वाला गॉडज़िला तो मुझे लगता है इससे भी खतरनाक है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे उसको भी स्पॉन कर देते, आपको भी दिखा देता हूं वो कैसे दिखता है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा। हाँ यहाँ पे, ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा यूज है। ओ एक मिनट, लड़ाई स्टार्ट हो गई भाई, अभी लड़ाई स्टार्ट हो गई इन लोग की। तो और भाई लोग क्या लड़ाई चालू हो रही है, देख रहे हो एक दूसरे को मार रहे हैं लोग। ओ किसी को आग लग गई क्या, यहाँ पे आग लगी हुई। ओ क्या फाइट मारा इसने। ओ अरे बाप रे बाप, क्या पड़ रही इसको एक दूसरे को। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वैसे गाइस माफ करना, मेरी कमेंट्री बहुत बेकार है। एक मिनट, यहाँ पे मेका गॉडज़िला की हेल्थ क्यों कम लग रही है, वो ज्यादा कमजोर है क्या? मेरे को लग रहा है मेका गॉडज़िला बड़ा दिखने में बहुत कमजोर है। देखो इसको कितना पड़ रहा है, अब इसको डैमेज देना स्टार्ट। ओ मेका गॉडज़िला ने बीम मार रहा है उसको। अब मुझे लग रहा है टाइटेनस हार जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे दोनों को कैसे डैमेज लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मेका गॉडज़िला बीम मार रहा है उसको भी इफेक्ट कर रही है, और इसको भी इफेक्ट कर रही है। ओ अब बीम खत्म हो गई, और क्या मारा इसने यार। अरे क्या कर रहा है भाई टाइटेनस, मारना उसको। गाइस देख के तो ऐसा लग रहा है मेका गॉडज़िला जीत जाएगा, क्योंकि कुछ ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई क्या घूम के मारा इसने। अच्छा और ये क्या फाइट चल रही है यार, फिर घूम के मारा इसने, लेकिन अब डैमेज नहीं पड़ा इसको। और क्या हाथ मार रहा है, इसके हाथ कितने बड़े। और भाई लोग आप लोग बिना देखे बताना कौन जीतने वाला है इन दोनों में से। लेकिन भाई लोग मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, टाइटेनस हार जाएगा। ओ इसने बीम मारना स्टार्ट किया, और क्या डैमेज पड़ रहा है इसको। और यहाँ पे मेका ने थोड़ा मारा इसको, लेकिन बीम मारते जा रहा है ये। लेकिन गाइस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, कभी इसकी हेल्थ कम हो रही तो कभी मेका की हेल्थ कम हो रही, क्या हो रहा है भाई, ये कौन जीतने वाला है इसमें से। लेकिन एक मिनट, मेका ने इसको बीम मारना स्टार्ट किया तो इसकी हेल्थ कुछ ज्यादा कम हो गई, मतलब इसकी बीम बहुत पावरफुल है। और ये गोरिल्ला क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत आलसी है साले, मार ही नहीं रहे इसको। गाइस देखो गोरिल्ला की हेल्थ एकदम कम है, मारना मत। अरे यार इसको मार दिया, शिट गोरिल्ला अपना हार गया। ये बहुत सैड मूवमेंट है गाइस, तो जाके प्लीज कमेंट में सैड लिख देना। और ये देखते हुए मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारा गोरिल्ला हार गया, मेका जीत गया। चलो कोई बात नहीं, मेका जीत गया, गोरिल्ला हार गया। अरे ये क्या जिंदा हो गया क्या? अरे यार ये तो मर गया, इसके अंदर मतलब थोड़ी अभी जान थी, लेकिन अब पूरा मर चुका है। लेकिन कुछ भी मेका गॉडज़िला बहुत हार्ड दिखता है, एकदम ब्रूटल कुछ भी, और आगे से तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो चलो बढ़ते नेक्स्ट राउंड की तरफ। गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा मेका गॉडज़िला बहुत पावरफुल है, लेकिन अब रुको मैं अब ऐसे गॉडज़िला को लाने वाला हूँ जो बहुत पावरफुल है, और मेका गॉडज़िला को बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला है, तो वो देख के जाना बहुत मजा आने वाला है। तो चलो बढ़ते उस राउंड की तरफ। तो गाइस ये रहा मेका गॉडज़िला का एग मेरे हाथ में, और मैं कितने मेका गॉडज़िला स्पॉन करूंगा आप देखना। एक मैंने ये स्पॉन किया, और एक मैंने ये स्पॉन किया, और एक मैं और स्पॉन करूंगा, और एक मैंने ये स्पॉन किया, और ये तीन मेका गॉडज़िला लड़ने वाले बस एक गॉडज़िला से, वो देखना कौन सा गॉडज़िला आने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता इन तीनों को आने वाला गॉडज़िला अकेले हरा पाएगा, तो चलो देखते हैं। और वो गॉडज़िला है ये, गाइस देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, एक बार देखो पूरा लावा का है, और इसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो सॉरी। और ऐसे ही फाइट स्टार्ट हो गई है, तीनों मिलकर इसको मारना स्टार्ट कर रहे। देखो एक ने मारा, ओ भाई क्या फाइट मारा उसको, उसको डैमेज लग गया, अब ये गुस्से में आ गया है, अब ये अकेला इन तीनों को भरने वाला, देखना बस कैसे भरेगा। वो मारना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को सब, और क्या फाइट हो रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको मार रहा है। लेकिन एक बात तो है, तीन तीन मेका गॉडज़िला मिलकर उसको मार रहे अकेले, और उसकी हेल्थ जरा सी भी कम नहीं हुई। बात तो सही है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें जीते है कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसकी फाइट हो रही। ओ भाई ये क्या कर रहा है, कौन सी पावर यूज कर रहा है यार, इन लोगों को मार देगा क्या? अरे कौन सी पावर है भाई, लोग देखो कोई पावर जनरेट कर रहा है, मतलब कोई पावर बना रहा हो, बहुत ज्यादा पावर कर रहे, देखो पावर जनरेट कर। ओ भाई इसने क्या किया ये, अरे ये क्या देख रहे हो, तीन तीन गॉडज़िला मर गए सच में, लेकिन उसने एक ही बार में तीनों को निपटा दिया, मतलब बहुत पावरफुल है गाइस ये। वैसे दिखता है बहुत खतरनाक एकदम लावा का गॉडज़िला। A few moments later. चलो गाइस ये सब बात को करते साइड में, और अब हम बहुत क्रेजी चीज करने वाले, इसमें सारे गॉडज़िला रहेंगे जितने मेरे पास है, उसके ऊपर किंग कॉन्ग भी रहेगा, देखते सब में कौन जीत पाता है, एक ही फाइट कराएंगे। अच्छा मतलब कि एक ही बार में सबकी फाइट करा देंगे, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइस सबसे पहले मैंने थर्मोन्यूक्लियर को स्पॉन किया, उसके अंदर मेका गॉडज़िला, उसके बाद किंग कॉन्ग, आज मैं सबसे प्यारे हमारे टाइटेनस गोरिल्ला को स्पॉन करूंगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब।
तो गाइस अब देखने वाले इन चारों के बीच क्या होने वाला है। और ये तीन तो फाइट करे टाइटेनस गोरीजा को, क्या हुआ भाई जाके तू भी फाइट करना। ओ फाइट करने लगता है मुझसे टेम हो गया। और ये तीनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इन तीनों के बीच। और एक बार किंग कॉन्ग देखो कहां घुस के रखा है भाई। किंग कॉन्ग निकल के थोड़ा अपना शो दिखा। बाकी मेका गॉडजिला बहुत गुस्से में लग रहा है, सबको ही मार रहा है। और अब गोरीजा ने मारना स्टार्ट कर दिया, उसने कुछ भीम टाइप का फेंका। और किंग कॉन्ग भाई तू क्या कर रहा है अपने बड़े बड़े हाथ लेके? क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है साले। तो अब थोड़ा बहुत किंग कॉन्ग ने मारना स्टार्ट किया, अब देखते क्या होता है। और ये मैका तो कुछ ज्यादा तेज तेज मार रहा है सबको। और किंग कॉन्ग क्या कर रहा है भाई तू बीच में क्यों घुस के रखा है? गाइस एक चीज देखो, लावा वाला जो गॉडजिला ना पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सब मरने वाले हैं। उसको थोड़ा टाइम लगेगा पावर जनरेट करने में। उसने पूरी जन ओ भाई मार दिया, इसने सबको मार दिया मुझे लग रहा है। हाँ सब मर गए, सब मर गए। गाइस देखो क्या गिरे इन लोग जल्दी से। और ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब एक ही बार में सबको मार देता है, चीटिंग कर रहा है नोबड़े। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज काफी मस्त फाइट हुई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे क्रेजी क्रेजी वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का गुड बाय। रुको रुको एक मिनट, जाते जाते ये सुनते जाओ। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है।